चुनावी सर्वे में आज का मैं उमरा गांव के नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आज हम सर्वे के दौरान है उमरा गांव में, जानते हैं प्रेम सिंह मलिक के बारे में, उमरा के लोगों की क्या राय है, क्या वो अपना बहुमत जो रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रेम सिंह मलिक को देंगे या फिर उनसे अलग किसी एंटी को अपना मत दे पाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं सर, क्या कहेंगे आप प्रेम सिंह मलिक के बारे में, कैसे नेतृत्व के आदमी हो? बिल्कुल एक नंबर के आदमी हैं, 36 नवंबर को साथ लेके चलने वाले हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं। तो क्या कहेंगे, मतलब आप साथ हैं उनके? उनके साथ हैं। क्या किस कैसे लगता है आपको, क्यों उनके कारण है, क्यों उनके साथ आप? इसलिए कि वो सभी को एक नज़र से देखने वाले आदमी हैं, 36 नवंबर को। सर आपका क्या नाम है? बलबीर सिंह। बलबीर जी, मतलब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या इंसान है? समाज से इंसान है, खेल कूद की भावना में हर जगह आगे रहते हैं और मतलब उसको कोई किसी का तो मतलब जैसे पिछले जो भी MLA आए हैं शहर में, जैसा कि अभी विधायिका थी रेणुका, क्या फिर ध्यान रहे किस प्रकार से उन्होंने काम किया था? हम सब करते हैं लेकिन इसको तो हम देख के आ रहे हैं, बहुत अनेक इंसान तो सत्ता में आएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे। बिल्कुल करेंगे। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, बड़ी आदमी बढ़िया तो गांव का मतलब सब काम कर रहे हैं, तो समाज सेवा में कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो आने वाले चुनाव के अंदर आप मतलब अपना जो मत है वो क्या इनको दे पाएंगे? देंगे। यहाँ खेले भी होंगे प्रेम जी, तो क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे व्यक्तित्व के आदमी? ठीक है जी, सही है तुमका, सही है। तो मतलब आप वोट प्रेम जी को देंगे? लक्ष्मीराम, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। तो क्यों उनको वोट देने के आप इच्छुक हो रहे हैं? तो पीछे जो विधायक रहे उनका कैसा काम लगा शहर में? देखे नहीं है, तो कभी आपने कोशिश नहीं की अपने गांव के बारे में उनको बताने की? कहाँ करें इसका पता नहीं है। तो कौन है फिलहाल मौजूदा विधायक आपकी? रेणुका। मलिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे व्यक्तित्व के आदमी और क्या आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसमें आप अपना मत जो है वो प्रेम सिंह जी को दें? प्रेम सिंह मलिक जो समाज के लिए बहुत बड़े समाज सेवी हैं और मैं काफ़ी मतलब 10 साल से मैं खुद अपने पर्सनली जान रहा हूँ, हर एक सेक्टर में, या खेल का हो या कोई किसी भी सेक्टर हो, मान लीजिए आप पब्लिक वर्क है या सोशल वर्क है, कुछ भी हो, हर एक मामले में बिल्कुल हर एक बढ़ चढ़ के साथ दिया है। 36 साथ लेके आने का, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सभी को एकदम एक नज़र से देखने वाले हैं। और जो रही नेक्स्ट जो चुनाव की बात है, चुनाव में आने के बाद हमारा मत बिल्कुल वो चाहे किसी पार्टी से जुड़े या निर्दलियों के, हमारा मत केवल उसके साथ रहेगा। हम परिवार का भी, मेरा भी और मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, जितने हम पूरे तन मन धन उनके साथ रहेंगे। तो पूरा गांव मतलब जो आपका पूरा सपोर्ट? बिल्कुल, हर एक सेक्टर में कोई सा गेम हो या हर एक चीज़ में, सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहेंगे और आते जाते भी रहते हैं। ये कोई भी विधायक हमने सभी चुन के देख लिए, कोई भी अगर ये पैर रख के देखा है ये, लेकिन हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, लगभग चाहे खेल के मामले में कुछ भी हो हमारे साथ आते हैं। जो कोई प्रॉब्लम होती है हमें शेयर करते हैं, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरफ। कब से मतलब आपका ये पहला वोट है, दूसरा वोट है, कौन सा वोट? मेरा ये शायद तीसरा वोट में से। तीसरा वोट है। तो पहले इससे पहले आपने किसको दिया था? मैंने इससे पहले विनोद बेहरा जी दिया था। बेहरा को दिया था, तो क्या विनोद बेहरा ने आपके गाँव में कुछ कार्य किया? तो किया है, लेकिन जिस जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, नहीं मिला नहीं है। वो जो जमा सातवास का एरिया में जो काफ़ी पिछड़ चुका है, हाँसी के एरिया बिल्कुल पिछड़ चुका है, और जो हमारा सातवास के एरिया साथ अगर प्रेम सिंह मलिक को सातवास पूरा मिल के जितना है और पूरा हाँसी हल्का साथ लगे, तो हमें उम्मीद है हमारा जो ये रोड है, जो भी सड़कें हैं, जो भी मेन
सुविधाएं हैं वो शायद वो बिल्कुल बारीकी से जानते हैं। विधायक ना होने के बाद भी प्रेम सिंह मलिक आपने मतलब समाज काम किया या? बिल्कुल काम किया। क्या कहना चाहेंगे? मतलब विधायक नहीं है उसके बाद भी गांव में कैसा काम कर? बहुत बढ़िया काम करे थी। कहीं भी बुला लिया उसी टाइम पे हाजिर पाता जी। यदि विधायक बन जाते हैं तो उसके बाद कैसी उम्मीद रखेंगे प्रेम सिंह? बनाने की उम्मीद रखेंगे जी। नहीं आपके गांव में काम की समाज सेवा काम की भी किसी खेत में बुला लिया चाहे घर बुला लिया ओडे पहुँच जा। तो पहले जो विधायक थे उनके बारे में क्या कहेंगे? पहले विधायक जी काम तो क्या फिर टाइम पे नहीं पहुँचे, छोटा मोटा काम हो तो नहीं आए बुलाने पर। हाँ जी। और जो मौजूदा विधायक है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहूँ का तो महाराज भाई के कुछ चली है पहले कुंटे क्या गाँव में मतलब पता ही नहीं है। गुमशुदा है? हाँ गुमशुदा। क्या नाम है सर आपका? मंदीप जी क्या कहना चाहेंगे प्रेम सिंह जी के बारे में? देखिए प्रेम सिंह एक अच्छे समाज सेवी हैं और एक मध्यम वर्ग से हैं जो सभी बातों को अच्छे से जानते हैं ऊपर नीचे जो भी बात होती है और एक समाज के लिए अच्छा संकेत जाएगा राजनीति में उनको एक बार अच्छा मौका मिले तो। और दूसरी बात भाईचारे को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और दूसरी बात ये है कि प्रेम मलिक जात पात को ख़त्म करने वाले हैं और दूसरी वो गेम के प्रति बहुत अच्छे हैं, युवाओं के प्रति जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर हो सरकारी सेक्टर हो उसके लिए हमेशा मददगार व्यक्ति हैं बहुत। तो आपका गांव जो है वो जितने भी ये खेल के मामले में काफ़ी आगे है इस मामले में कितनी सपोर्ट करते हैं प्रेम जी आपके गांव? 100% ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर व्यक्ति कोई भी हो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो वो हर किसी की मतलब मदद के लिए हर टाइम पे तैयार है। सर आपका क्या नाम है? रणदीप जी आप क्या कहेंगे प्रेम सिंह के बारे में, क्या सोचते हैं आप, क्यों अपना मत प्रेम सिंह जी को देना चाह रहे हैं? मतलब जो आपका वोट है क्या आप प्रेम सिंह को देंगे? जी बिल्कुल। क्यों देंगे सर? वो हमारे क्षेत्र से है और मतलब अच्छे साबित हुए हैं हर टाइप से हर बार पिछले बहुत समय से वो हमारे साथ से साथ में काफ़ी मदद कर रहे हैं गाँव की इसलिए। सर आपका क्या नाम है आपसे जानना चाहेंगे? सुनील नाम है। सुनील जी जानना चाहेंगे मतलब जो प्रेम सिंह मलिक जी है गांव में किस प्रकार का मतलब कार्य कर रहे हैं और जो विधायक मौजूदा विधायक है या फिर उससे पहले जो विधायक रहे उन्होंने किस प्रकार का काम किया है? अब भी जो प्रेम सिंह मलिक है जो विधायक नहीं है लेकिन विधायक की दौड़ में किस प्रकार का काम कर रहे हैं? विधायक ना रहते हुए प्रेम सिंह मलिक ना गाँव का नहीं सात बास का और जितना शिकारी है ना उसमें हर आदमी की समस्या में मिलते हैं। कोई भाईचारा का मसला हो सामूहिक काम हो गए उसमें आगे मिलते हैं और जितने हाँसी के नज़दीक गांव हैं उनमें अगर खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका हाथ है उसमें क्योंकि अपना सामान मुहैया कराते हैं उनको हमारे ग्राउंड से लगा लो सुल्तानपुर लगा लो सात बस हर जगह आगे मिलते हैं जहाँ भी बुलाते हैं इनको और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये नहीं कि भाई आपने फ़ोन कराया तो हाजिर मिलेंगे, ये कहीं पर भी हो ये बोलेंगे मैं उसी टाइम पर हाजिर हो जाते हैं। तो अपना वोट प्रेम सिंह मलिक के साथ आपका? हाँ 100% है जी, मेरा नहीं पूरे गांव का है पूरे गांव का। हाँ जी। तो ये थे प्रेम सिंह मलिक के बारे में राय रखने वाले उमरा गांव के लोग जिन्होंने कहा कि उनका ही नहीं उनके पूरे परिवार का और पूरे परिवार के साथ पूरे गांव का और आसपास जो उनके रिलेटिव रहने वाले गए उनका भी वोट प्रेम सिंह मलिक के साथ गए। देखते आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रेम सिंह मलिक विधायक हल्के से बन पाएंगे या फिर चुनाव में कोई और की नतीजा रहेगा, लेकिन गांव वालों की माने तो सभी का कहना है कि वो प्रेम सिंह मलिक के साथ तन मन धन से है और पूरी तरह से उन्हीं की सपोर्ट में रहेंगे चाहे कोई भी आ जाए। कैमरा पर्सन हरीश कुमार के साथ अनुराग की रिपोर्ट। तनावपूर्ण जिंदगी को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए गए हैं मेल राइफल कैप्सूल। इसके नाम से ही आप इसकी क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। मेल राइफल कैप्सूल हर्बल प्रीमियम कैप्सूल का है जो आपको घंटों तक परफॉर्म करने के लिए एबिलिटी देते हैं।
मेल राइफल कैप्सूल आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। ये कैप्सूल पूरे प्राकृतिक तरीके से काम करता है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी हर कमी को दूर करता है। मेल राइफल कैप्सूल वो कैप्सूल है जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देकर आपकी ऊर्जा में सुधार लाता है और आप ऊर्जावान रहते हो और अपनी सारी सुधा जीवन में भरपूर जीते हो। मेल राइफल का प्राइस है 5,000 रुपए, लेकिन यहाँ हम आपको दे रहे हैं 82% की छूट पर मात्र 899 रुपए में। आप इसे घर बैठे भी मंगवा सकते हैं सामने स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर करके, या फिर आप इसे हमारी साइट www.ayurvedichealthproduct.in पर भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर स्नैपडील से भी मंगवा सकते हैं। कैप्सूल सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है।